हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे टॉपर स्टूडेंट की नेक्स्ट 5 हैबिट्स के बारे में। इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको टॉपर स्टूडेंट की पहली 5 हैबिट्स के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हैबिट नंबर 6 है क्लियर ऑल योर डाउट्स। आप लोग हिचकिचाते हैं कि आप अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करो। नहीं, आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको बिल्कुल ही स्ट्रांगली अपने टीचर से जो भी डाउट है वो पूछना है बिना किसी डर के, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको हक है टीचर से सवाल पूछने का और टीचर भी आपको ज़रूर समझेंगे। इसलिए अपने मन में ये बात मत लाइए कि अगर मैं जैसे क्वेश्चन करूँगा, डाउट पूछूँगा तो बाकी सारे मेरे जो दोस्त हैं वो सब मुझ पर हंसेंगे। नहीं, इस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि अगर ये सोच के चलेंगे तो आप कभी भी टॉप नहीं कर पाएंगे और दूसरे बच्चे आपकी रेस में आगे निकल जाएंगे और आप उस रेस में पीछे रह जाएंगे। तो प्लीज़ अपने डाउट्स को पूछना शुरू करिए। दोस्तों, हैबिट नंबर 7 है राइट गाइडेंस। आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए आपने जो भी आपका मेंटर है या टीचर है, जो भी आपके गुरु हैं, ट्यूशन टीचर हैं, वो उनसे आप हेल्प लेते रहिए कि मुझे करियर में क्या करना है, आप किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने सीनियर से, अगर आप मान लीजिए 10th क्लास में हैं या 11th क्लास में हैं, तो 12th वाले बच्चों के साथ थोड़ा टच में रहिए, उनसे पूछिए कि वो कैसे पढ़ते थे और उनसे थोड़े हेल्प लेना शुरू कर दीजिए, जिससे वो आपको गाइड प्रोवाइड करेंगे तो आप राइट गाइडेंस के अंडर आप अपने सक्सेस को अचीव कर पाएंगे और टॉपर्स ज़रूर बन पाएंगे। 8400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। हैबिट नंबर 8 है रेगुलर टेस्ट सीरीज़। जी हाँ बच्चों, आप लोग पढ़ते बहुत है पर कभी भी टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करते। आप ना तो मॉक पेपर सॉल्व करते हैं ना सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप एग्ज़ाम से सिर्फ कुछ दिन पहले ही रह गए हैं, अगर एग्ज़ाम्स आपके या तो शुरू हो गए होंगे टर्म 1 के, या फिर अगर आप टर्म 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए, पढ़ाई भी करिए। लेकिन हफ्ते में कम से कम संडे को, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी संडे को रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम एक सैंपल पर तो लगाइए। संडे को आप 2 घंटे बैठ जाइए सैंपल पर सॉल्व करने के लिए, कम से कम इतना तो करेंगे जिससे आपकी पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। और मैं डेफिनेटली श्योर होता हूँ इस बात को बोलने के लिए कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाएंगे, डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने हफ्ते में एक बार सैंपल पेपर को लगाना शुरू कर दिया। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हो तो हफ्ते में 2, 3, 4 ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए सैंपल पेपर सॉल्व करने की, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। हैबिट नंबर 9 है दोस्तों स्मार्ट रीडिंग मटेरियल। क्या मतलब है इसका, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ये देखिए, क्या मैं सही क्वालिटी में पढ़ रहा हूँ, कंटेंट आपके पास अच्छा है या नहीं अच्छा है। देखिए, जितने भी टॉपर्स लोग हैं ना, वो नोट्स बनाकर पढ़ते हैं और उनके नोट्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप नोट्स बनाना शुरू करिए, किसी और के नोट्स को फॉलो मत करिए, सिर्फ टीचर के दिए हुए नोट्स को फॉलो करिए, किसी भी अपने क्लासमेट्स से जो आपके उनके बनाए हुए नोट्स को फॉलो मत करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम उस नोट्स में उसने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है या कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं गया, मिस आउट तो नहीं हो गया। इसलिए या तो खुद कोशिश करिए, खुद के नोट्स बनाएं या फिर टीचर्स के नोट्स को फॉलो करें, अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ाई जरूर करें, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा और टॉप जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, हैबिट नंबर 10 है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में ज़रूर रहना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट्स की यही निशानी होती है कि वो डिसिप्लिन में रहता है हमेशा। इसलिए हमेशा स्कूल के डिसिप्लिन को फॉलो ज़रूर करिए। अगर आप स्कूल के डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप एक सिंसियर स्टूडेंट्स बनेंगे, सीरियस स्टूडेंट बनेंगे, तो ही आप बच्चों स्कूल में या क्लास में टॉप कर पाएंगे और डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। मैं मेरी बात मान के चलिए, अगर आप इतना आदतें अपनी लाइफ में अपनाते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, एक बार इस 10 हैबिट्स को अपने अंदर ला के देखिए, आपके अंदर ऐसा चेंजेस आएगा आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, मैं हर कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।